अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोरोना का कहर चल रहा है और इस कोरोना की दहशत में हर आदमी जो है जीने पर मजबूर है। शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो आदेश हुआ था कि यहाँ पर जो है हर तरह से लॉकडाउन का आदेश हुआ था, हर तरह से बंद रहेगी दुकानें, मगर खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे किराना की दुकान है, मेडिकल है, दवाखाना है, ये तमाम दुकानें जो है खुली रहेगी। मगर ऐसे में कुछ किराना की दुकान वालों की शिकायत आ रही है कि वो मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो है सामान महंगा बेच रहे हैं, ऐसा कुछ ग्राहकों का जो है कहना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वक्त जो है मुमरा पुलिस स्टेशन से ठीक सटकर आनंद कोलीवाड़ा इलाका है, यहाँ पर एक किराने की दुकान है, हम यहाँ पर आए हैं। हम उस दुकान के मालिक से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी शिकायत क्यों आ रही है और क्या सच्चाई है इसमें। क्या नाम है आपका? रमेश पटेल। और आपकी दुकान का नाम क्या है? नागरिक ग्रीन स्टोर। अच्छा, ऐसा है कि एक शिकायत आ रही है कि किराने की दुकान वाले जो है, जैसा कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है पूरे देश भर में, और जो है आप लोगों को दुकानें जो है खुली रखने की छूट दी गई है, अब ऐसे में जो है आप लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो है ग्राहकों को जो 30 रुपये का चावल आता है वो 36 में बेच रहे हो, जो 100 रुपये किलो दाल आती थी वो 120-110 में बेच रहे हो, तो ये जो शिकायत, ये कंप्लेन है ग्राहकों द्वारा, ये कहाँ तक सही है? और ये मतलब जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से ये शिकायत आने लगी है, तो क्या सच्चाई है इसके बारे में? आप लोग ऐसा अन्याय अत्याचार क्यों कर रहे हैं ग्राहकों के साथ? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी दुकानदार नहीं करता होगा, और कुछ दुकानदार करते भी है कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे यहाँ लगभग 5-6 दिन इस जब लॉकडाउन हुआ तो 5-6 दिन लाइन रही थी, सबको लाइन से माल दिया गया और कोई बढ़ा के भाव नहीं लिया गया था। उसके बाद जब माल ख़त्म हो गया तो कुछ सप्लाई आने के मार्केटों से बंद हो गई थी, उसके बाद कुछ दिन बाद सप्लाई चालू हो गई तो वहीं से भाव बढ़ के आने लगा था। जो कि आप बोल रहे हो कि 30 रुपये का चावल 36 में हो गया, वो एकदम व्याज भी नहीं है, वो ज़्यादा भाव है। 2-2.5 रुपया जो है वो बढ़ोतरी है, जो भी चीज़ों में है 2-2.5 रुपया, दालों में 10 रुपया बढ़ोतरी है, वहीं से बढ़ोतरी है। और एक्स्ट्रा है कि भाड़ा जो ट्रांसपोर्टिंग आता था वो ट्रांसपोर्टिंग भी डबल हो गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसमें दुकानदार कुछ ज़्यादा मौके का फ़ायदा नहीं ले रहे, और कुछ दुकानदार लेते भी हैं, हम ऐसा मना नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ आप ये मानते हैं कि कुछ किराने की दुकान वाले जो है मजबूरी का फ़ायदा उठाकर सामान महंगा बेच रहे हैं? कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठा भी रहे, और कुछ दुकानदार सेवे के भाव से यहाँ काम कर रहे हैं। हम लगभग डोंबिवली से आते हैं यहाँ मुमरा में, रोज़ सुबह 6 बजे आ जाते हैं और 1 बजे से हमारे यहाँ बिका जाता है। किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई आपको अगर ग्राहक कंप्लेंट देता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। आप इतनी ईमानदारी से सामान बेचने का दावा कर रहे हैं, तो जो लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो किराने वाले सामान महंगा बेच रहे हैं, तो आप लोग जो है आपकी कोई व्यापारी संगठन होगी उससे शिकायत क्यों नहीं करते हैं कि अन्याय हो रहा है? देखो, ये शिकायत आप प्रेस मीडिया वाले या ग्राहक संगठन कर सकता है, हम लोग व्यापारी नहीं कर सकते हैं। आपको ग्राहक को कहीं दिक्कत हो कंज्यूमर केयर में जाके कंप्लेंट कर सकता है और उस दुकानदार के ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। मुमरा में कोई व्यापारी संगठन है कि नहीं है? मुमरा में व्यापारी संगठन है, पर अपना मुमरा कौसा का एक व्यापारी संगठन है, उसमें हम लोग भी ऐड हैं, पर उस संगठन को अभी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए थोड़ा। अभी आप लोग को मुमरा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, एक बैठक की गई थी, यहाँ के जो मंत्री जी हैं, MLA जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र अवहाड़ की मौजूदगी में सीनियर साहब, ACP साहब भी थे, वहाँ पर बैठक की गई थी। उस बैठक में क्या बातचीत हुई थी? उस बैठक में हम तो गए नहीं थे और मुझे बुलाया भी नहीं गया था, हमारे यहाँ से हमको मैसेज नहीं आया था। कौसा मुमरा के उसमें ग्रुप में हम ऐड नहीं थे, बाद में हमको ऐड किया गया था। हमने बोला कि हमको मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, तो बाद में उन्होंने हमको ऐड किया गया और हमको बुलाया नहीं गया, तो हमको इस बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। अच्छा, अभी आपका कहना है कि सामान वहीं से वाशी मार्केट से ही महंगा हो गया है, तो ये जो लाने ले जाने में जो खर्चा बढ़ा है उसके लिए जो है आप लोग रेट बढ़ा दिए हैं, तो अभी शिकायत ये भी सुनने में आ रही है कि जैसे पुलिस वाले भी कुछ मतलब दिक्कतें पैदा कर रहे हैं लाने ले जाने में माल, तो ये जो है आपके साथ भी ऐसा हुआ? ये लॉकडाउन के बाद से कभी माल लाने ले जाने में कोई दिक्कत आई, या कोई परमिशन आपको मिला है पुलिस चौकी से जिसके ज़रिए आप जो है माल आसानी से खरीद रहे हैं और अपने दुकान में ला के बेच रहे हैं? पुलिस चौकी से हमें कोई परमिशन नहीं मिला है ले जाने के लिए। हमने 2-3 बार पुलिस चौकी में जाके भी पूछा भी कि हमें आने जाने में तकलीफ होती है, माल सामान ले जाने में तकलीफ होती है, कुछ हमें कागज़ पत्र बना के दे ताकि हमको जो 4 या 3 जगह पे नाकाबंदी लगती है तो उससे हमको दिक्कत ना आवे।
तो उन्होंने बोला ऐसा कोई कागज़ पत्र हमारे यहाँ नहीं बनता है पुलिस स्टेशन से, आप अपने हिसाब से देखिए क्या करना। और पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पुलिस वालों का गाड़ियों में रोक, गाड़ी वालों को रोकते थे, आने नहीं देते थे, तो इसकी वजह से ड्राइवर लोग माल सप्लाई करने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि ड्राइवर लोग को मार खाते थे तो अपना गाड़ी नहीं चलाते थे, इसके लिए वो लोग माल सप्लाई नहीं करते। अभी कुछ दिन से 5-6 दिन से अभी सप्लाई चालू हो गई है, अभी थोड़ा बहुत उन्होंने नॉर्मल किया हुआ है तो माल सप्लाई आ रही है। और दूसरी बात, अनाज की खाली सप्लाई आ रही है, दूसरी एजेंसियों की कोई भी सप्लाई अभी तक नहीं आ रही, जैसे कि फूड आइटम में हो गया, कोलगेट हो गया, साबुन सब वगैरह हो गया, सर्फ वगैरह हो गया, ये सप्लाई अभी तक यहाँ पहुँच नहीं रही है, क्योंकि वो एजेंसी वाले अभी तक भिजवा नहीं रहे, उनका अभी तक कारोबार चालू हुआ नहीं है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ मुमरा में तकरीबन आप जो है 30 से 35 साल से आपकी दुकान है, आपके पापा जी भी दुकान में बैठते थे। एक जिम्मेदार दुकानदार होने के नाते क्या अपील करेंगे उन दुकानदारों से जो मजबूरी का फ़ायदा उठाकर महंगा सामान बेच रहे हैं? मैं सभी दुकानदार किराने भाई वालों को और भाजी वालों को भी ये निवेदन करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि मौके का कोई भी फ़ायदा न ले, जीवन जरूरी चीज़ है, कोरोना वायरस का अभी केयर चालू है, तो मेहरबानी करके किसी मौके का फ़ायदा ना ले और गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पहुँचे, ऐसा कुछ लाभ करें। दोस्तों, तो इसी तरह से हमारे साथ एक ग्राहक भी मौजूद हैं जिनका नाम है बादल, छोटू के नाम से वो फेमस भी हैं। तो ये जो है इनकी भी शिकायत हमेशा रही है, इन्होंने हमें फ़ोन भी किया था कि कई दुकानदार जो है मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाकर सामान महंगा बेच रहे हैं, तो कौन है वो दुकानदार, हम लगे हाथ जो है वो ग्राहक से भी बात कर लेते हैं। तो बादल, ये बताइए कि जो है कहाँ से आपको ये शिकायत मिली थी और आपने हमें फ़ोन किया था कि कुछ लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ग्रेट इंडिया टीवी न्यूज़ को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि इस आवाज़ को उठावे और जनता तलक पहुँचाए और जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तलक जाए, ये न्यूज टीवी के माध्यम चैनल से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जनता कर्फ्यू लॉकडाउन जो हुआ है, देश की सरकार ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करना चाहिए और सारे देशवासियों कर रहे हैं इस पर अमल और हम भी कर रहे हैं और सबको करना चाहिए, क्योंकि सरकार के आदेश। रह गई बात ये खाने पीने की, राशन की, किराने की दुकान की बात, तो कुछ दुकानें तो हैं कि जो वक्त का कुछ फ़ायदा ज़्यादा उठाते हुए कस्टमरों से जो 10 की चीज़ें डायरेक्ट 15, जो 30 की चीज़ें हैं 32-36, तो इस हाल में, इस हालात में ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। और जो रेट जो पहले चल रही थी उसी रेट से देना चाहिए, और ये हालात में काफ़ी थोड़ी महंगी होती है चीज़, तो 1-2 रुपये का असर देखा जाता है, लेकिन यहाँ वो असर ना देखते डायरेक्ट 10-20-30, ऐसा क्या है, ये तो लूटमारी हो गया। एक तरफ देश की सरकार बोलती है कि हमारे को समर्थन करो, इस चीज़ का पालन करो, और उस चीज़ को सारे हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता जो है सरकार के नियमों का, आदेश का पालन भी कर रहा है, और इधर लूटमारी कुछ दुकानदार हैं। अभी फिलहाल बीच में भाजी वाले जो थे काफ़ी अहकार लूटमारी चालू किए थे, लेकिन कुछ भाजी वालों को कुछ जनता ने ही जगह पे ही सबक सिखाया, तब जाकर के वो लोग ने अपने रेट टू रेट बेचना चालू। क्या क्या सबक सिखाया मतलब? जैसे कि उन लोगों को 1-2 लोगों को पकड़ के मारा और बोला कि आखिर ये 10 रुपये का पालक है आज 20 रुपये क्यों है, बहुत से महंगा होगा तो 2-3 रुपया हो सकता, अब ये डायरेक्ट 20 रुपया। कांदा अभी मोदी जी की सरकार में ही कांदा 120-130 रुपया किलो बिका है, लेकिन वो कांदे पे तो महामारी तो नहीं चल रही ना, आज भी कांदा 50 रुपया किलो बिक रहा है। तो ये सब क्या है, एक तरफ से गरीब जनता जो है ये लॉकडाउन का पालन करते हुए ना कोई पगार है ना कोई काम काज है, काम पे भी नहीं जा रहे, उस तरीके से मेरे बोलने का मतलब ये है कि इस चीज़ पे सरकार सोचे कि जो कुछ है नियम के अनुसार पालन किया जाए, व्यापारी हो या कोई छोटे मोटे व्यापार हो या धंधे वाला हो या रोड का हॉकर्स हो, ये सब चीज़ों से उन लोगों को सोचना चाहिए कि आज देश की हालात कितनी नाजुक चल रही है। ये कोरोना वायरस तो आज है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो आया चला जाएगा, लेकिन ये महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, इसकी तरक्की हो रही है, इसकी तरक्की पर थोड़ा गवर्नमेंट सरकार इस पर सोचे।